व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम फिर से खेलेंगे एक नया गेम। तो गाइस यार, आज बेसिकली मैं गेम का रिव्यू नहीं करूँगा, आज मैं बेसिकली एक मिशन खेलूँगा। और यार मिशन मैं चूज नहीं करूँगा, मिशन मैं रैंडमली लूँगा, जैसा भी होगा खेल लेंगे, देखते हैं गाइस कैसा होगा, हमसे पार होगा या फिर नहीं। तो यार स्टार्ट करते हैं मिशन को बिना किसी टाइम वेस्ट के। A few inches later. तो गाइस यार फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक ईमेन वाला मिशन मिल चुका है, तो फिलहाल हम ये खेलेंगे। मेरे को थोड़ा ये मिशन ठीक लग रहा है तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं गाइस ये मिशन कैसा सा होगा। फिलहाल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे कटसीन के साथ हमारा मिशन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर की और ईमेन की बात चल रही है। जो आप ब्लैक कलर की जैकेट में देख रहे हो, ये अपना ही कैरेक्टर है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ पूरा सीन क्या है, ये हमें क्या बोल रहा है। तो गाइस फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये हमें क्या बोल रहा है। तो गाइस ये हमें बोल रहा है कि इसका एक दोस्त है, वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। तो गाइस उसकी फाइट बहुत सारी गैंगों से चलती रहती है। तो फिलहाल वो अपनी बाइक लेके एक जगह से जा रहा था, तो वहाँ पे उसकी जो एक दुश्मन गैंग थी वो उसको मिल गई थी, और उस गैंग ने उसको पकड़ लिया था। तो बेसिकली उसको वहाँ से उन्होंने किडनैप कर लिया था, तो उसको ही हमें बचाना है। अब गाइस फिलहाल ऐसा सीन तो है नहीं कि हम सीधा जाके बचा लेंगे। उस गैंग ने जो है, ये आप जो घर देख रहे हो जिसपे मैं अभी चल रहा हूँ, इसी घर में उन्होंने ना इसको किडनैप करके रख रखा है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ एक बार, रुको गाइस, कट सीन में ये देख सकते हो आप। और गाइस जो है ऐसा सीन नहीं है कि ये दोनों अकेले हैं, इनके जो थोड़े बहुत गैंग मेम्बर्स हैं वो इन्होंने लगा रखे ताकि कोई भी ऊपर ना आ पाए। और गाइस जो है यार, इसने ना बहुत सारे बंदों को मारा था, इन्हीं की गैंग के बंदे थे बहुत सारे, उनसे एक टाइम पे भिड़ा था, तो इसने बहुत ही सारे इनके बंदे को किल करा था। तो उसका ही गुस्सा ये इस पर उतार रहे हैं और पूछ रहे कि तेरा पैसा कहाँ पे है, वो हमें उसमें से थोड़ा दे दे। और गाइस वो भी जरा बंदा बहुत ही घबराया हुआ है, वो इनको कुछ भी आंसर नहीं दे रहा है। तो गाइस यार फिलहाल ईमेन अपना बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो यार उसकी बात मानते हुए हम उसके फ्रेंड को रेस्क्यू करके ले जाएंगे। और गाइस सामने वो जो आप बंदे देख रहे हो, दो उन्होंने उस पर एम कर रखा है। और गाइस मैंने सोचा था थोड़े बहुत तो बॉडीगार्ड होंगे, पर यहाँ पे फिलहाल इनका एक ही बॉडीगार्ड है। क्योंकि गाइस तभी मैं देख रहा हूँ कि इन पे बॉडीगार्ड वगैरह क्यों नहीं है, तभी गाइस ये उससे जो है पैसे मांग रहे हैं, ताकि गाइस जो कि इनकी जो गैंग है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा इनके पास पैसा हो जाए, ज़्यादा गार्ड्स हो जाए। लेकिन गाइस हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इसके फ्रेंड को यहाँ से पहले रेस्क्यू करा लेंगे। और रेस्क्यू हम इसको कर चुके हैं, एक भी बॉडीगार्ड नहीं बचा है, तो भाई तू तेरा टेंशन मत ले। फिलहाल जो है यार गाइस यहाँ पे हमें कट सीन दिखाया जा रहा है, ये दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो गाइस फिलहाल का सीन ये है कि जो बंदा है ये बोल रहा है थैंक्स भाई मुझे बचाने के लिए, मुझे गाइस ने अराउंड हमें $5,000-6,000 दिए हैं, और ये लगता है गाइस हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फिलहाल यार गाइस मेरे को लग रहा है ये हमारा दोस्त बनना चाहता है, या फिर एक तरीके से यार हम बोल सकते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हमारा दोस्त बन ही चुका है, फिलहाल चलते हैं। तो गाइस यार फिलहाल वो जो बंदा है ईमेन का फ्रेंड जिसको हमने अभी अभी रेस्क्यू करा था, तो गाइस वो जो है बोल रहा है कि जो वो बंदे दोनों उसको टॉर्चर कर रहे थे, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि भाई जो तुम हो उसको लेने आ जाओ, यानी कि उनके जो गैंग के मेंबर है वो दूसरी कंट्री से उनको लेने के लिए आने वाले थे, ताकि ये जो ईमेन का फ्रेंड है इसको वो बाहर ले जाके और भी ज़्यादा टॉर्चर कर सके, और इसका जो भी पैसा माल है वो सब छीने। लेकिन गाइस इनको क्या ही पता है कि ईमेन ने हमें रेस्क्यू करने के लिए इसको भेज दिया था, और गाइस जो है हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है और उसके होम पे छोड़ दिया है। और फिलहाल गाइस जो उसने हमको एड्रेस दे दिया था कि भाई इस टनल के नीचे वो लोग मेरे को लेने के लिए आने वाले थे, तो गाइस फिलहाल उसने बोला है कि इनका काम जैसे भी हो सके तुम तमाम कर देना। जैसे कि गाइस आप सामने देख सकते हो, वो बंदे बोट लेके खड़े हैं, ये सोच रहे कि ऊपर जो बंदे दोनों इसको टॉर्चर कर रहे थे वो नीचे इसको लेने के लिए आएंगे। तो गाइस यार सामने जो आप बंदी देख पा रहे हो वो ही गाइस इसको लेने के लिए आई थी, लेकिन गाइस इसको क्या ही पता वो इसको नहीं मिलने वाला, और ये मेरे को देख के पहले ही भागने लग गई है। लेकिन गाइस मैंने जो इसको मार ही दिया है, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है भागने का। तो गाइस फिलहाल जो ये ईमेन है ये हमारी हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन गाइस इसको क्या पता हमने उसको पहले ही मार दिया है। जिस बंदे को हमने रेस्क्यू करा था, यानी कि ईमेन के फ्रेंड को, उसने लगता है इसको फ़ोन करके भेज दिया था कि भाई तुम उसकी मदद करके आ जाओ, लेकिन इसको क्या पता हमने उसको पहले ही मार दिया है। तो गाइस इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तो बाय बाय, पीस आउट, और
गेम का नाम है गैंगस्टर न्यू ऑरलाइंस। डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको 1 GB के अंदर का मिल जाएगा गेम। लगभग 960 MB का आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिल लेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।